Once again, welcome back. Salam Pakistan, Nazreen. Aap sabko ek baar phir se musical morning mein khush aamadeed kehte hain. Aur musical morning mein jo mere saath maujood hoti hai personality, unko phir se welcome karungi. Imran Ash Sajan. Mere segment ke mehman apni ada ke saath jo hai, wo is segment mein khubsurat rang jamayenge. Mere saath maujood hain Fahad Ali Fadee. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. कैसे हैं फहद? जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. आपको भी सलाम पाकिस्तान में वेलकम. सो अब हम फहद की तरफ. फहद, आप किसको सुना रहे हैं सबसे पहले? खान साहब का जो मैं तानू समझावा की बहुत प्यारा सा गीत. जी जी जरूर, ये भी पिछले दिनों से हर प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा है. ये मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी. मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी. तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. दिन तू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी. बार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी. वाह वाह वाह,
क्या बात है जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा निभाया और बहुत खूब गाया और अपनी अदा के साथ गाया, ये बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि वो जब आप किसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को अपना रोल मॉडल जरूर बनाएं, लेकिन जब आप उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप में कहीं खो जाते हैं। लेकिन आपका करियर जो है वो कब से शुरू हुआ और आगे क्या प्लान्स हैं फर्दर? आगे इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाना है, प्लान तो यही है, बस ये है कि ये मेरा शौक है और मैं कोशिश करता हूँ सबको सुनूं, किसी एक को फॉलो नहीं करता, सबको सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत गा लूं। और बस समझे कुछ महीनों से मैंने अभी स्टार्ट किया है अपने उस्ताद से सीखना। अच्छा, उस्ताद कराऊं बस आपसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। अच्छा, करम अब्बास जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में भी काफी मर्तबा आए हैं और अभी आकाशिम बिजी हैं, वक्त नहीं मिल रहा उनको, बट ये है कि वो भी एक बड़ी अच्छी बात ये है कि जो उनके पास हुनर मौजूद है वो अब दूसरों में जो है उसको ट्रांसफर करने का सिलसिला शुरू हो गया, तो आप उनसे बाकायदा म्यूजिक सीख रहे हैं। उससे चल रहा था, लेकिन अपना भी तो मैं थोड़ा सा जो है सिमरान जी, जिस तरह हम अक्सर अपने देखने वालों को भी दावत ही दे रहे होते हैं कि आप आइए और आके सीखिए, गॉड गिफ्टेड तो होता है, आर्टिस्ट बॉर्न होता है, वो बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता है, लेकिन ये जो पॉलिश करने की जरूरत है, क्या चीज गलत है, क्या किस चीज को बेहतर करना है, इसके लिए तो आई गेस बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं वो भी उस्ताद बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि आप जब तक गा रहे होते हैं तो वो जो जितना आपके अंदर होता है वो आप गा रहे होते हैं, लेकिन जब आप सीख लेते हैं तो जो समझ के गाते हैं उसके अंदर आपका अपना जो आप कहते हैं अदा आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो फहद, अब आप नेक्स्ट क्या रंग जमा रहे हैं? सजाद भाई का हरजम तेरे यार, बहुत पसंद है। याद है या भूल गए? हर जुल्म की बात करें, याद है, बिल्कुल याद है, वो भूल नहीं सकता। चलिए, किसने किया है ये सर, कौन है? आप न्यूज चैनल पर बैठे आप बता सकते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा। तुझसा तो नहीं हूँ, हरज़ तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हरज़ तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश तुझसा तो नहीं हूँ, हरज चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ, हरज़
मुझे देखता रहता है जमाना दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं तो नहीं हूँ हर जन तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ हर जन तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ बहुत खूब बहुत अच्छे बहुत ज़बरदस्त. और हम अगर सजाद अली की बात करें तो अगर हम उनके करियर को देखें तो बेशुमार उतार चढ़ाव उनकी भी ज़िंदगी में रहे और बहुत अरसे से वो इस म्यूज़िक की फील्ड में हैं. और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके स्टाइल भी तब्दील होते रहे, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, उनके उनके पहनने ओढ़ने के स्टाइल हो. इवन आप उनके वीडियोज़ देखें, उन्होंने पड़ोसी मुल्क में भी जाके काम किया, इवन के एक्टिंग भी की उन्होंने, तो उसमें आप उनको देखें उनकी एनर्जी बड़ी डिफरेंट है. आज आप देखें वो बड़े चेंज हो गए हैं. तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि जो वक्त जैसा है आप उसमें अपने आप को चेंज करते रहें. और इस गीत इसका आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये बहुत पहले आया था, रिलीज हुआ था पूरा 92 में, वो फुल ऑफ म्यूजिक था. ये तो सिंपल हमने पियानो के रैप पे, लेकिन वो पूरा ऑर्केस्ट्रा था उसमें, लेकिन वो उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आया था. वो पूरा एल्बम था, एक और एल्बम था इनका जिंदगी है धुआं सजाद भाई का, अच्छा वो भी बहुत खूबसूरत एल्बम था, लेकिन वो उस वक्त धुआं हो गया था. वही था ना, अभी मूड नहीं है कल आना, वो तो बहुत बात का है. फिर वो बेबिया के बाद एक लाइन शुरू हुई, अच्छा ओके, बेबिया हो तो एल्बम हुआ, फिर चीफ साहब हुआ, फिर तो जितने जितने आते रहे, फिर अब किताब भी लिख ली, नाखून भी बढ़ गए, होश भी, बहुत सारे उनके सजादे के गाने हैं, नाखून बढ़ते जाएंगे और किताब भी लिखते जाएंगे. वो फिर तुम वो किताब वाला तो बड़ा खूबसूरत है, वो तो नाखून वाला भी बहुत अच्छा है. अच्छा नाखून वाला नहीं था, नहीं मैंने एक और उनका चार बालिश, चार बालिश, चार बालिश था, नाखून था, उसके बाद किताब लेटर जो है वो किताब लिखी है, मैंने किताब लिखी, बहुत बहुत जबरदस्त गाना माशाल्लाह. प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, ऐसा वो एक फिल्म याद था, वो मुझे कुछ गीत याद है, चार बालिश सब, बहुत सारा बहुत सारा, बादल मेरा बुलबुल सो रहा है, और चाहे किसी देश भी जाए, चाहे किसी गीत भी जाए, बहुत आला लगा, सारे गाने हिट थे. अच्छा यानी कि हम एक बल्कि एक नहीं कई प्रोग्राम जो है वो उनके गीतों पर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो हो गए अली हैदर का अगर हम जिक्र करें, उनके भी बेशुमार. लेकिन जो सजाद अली की जो बात है, एक मैं ये नहीं कह रही कोई किसी से कम है, लेकिन उन्होंने बहुत वक्त दिया म्यूजिक इंडस्ट्री को और बहुत ज्यादा काम किया, और आज के सिंगर की एक बड़ी इंस्पिरेशन है सजाद अली. हम अपने गाने के बारे में बात कर रहे थे, मुझे है ना देखा, मैं कहीं खो चुका था, कहीं कहाँ सोच रहा था कि मैं, अब आप जहाँ खोए थे हमें भी उन्हीं वादियों की सैर कराएं, उठाए माइक, हमें भी लेकर चलिए, वो आपको बयान करते हैं. हाँ जी वो बयान कीजिए. कच्ची डोरियों 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 से मैंने तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बैके, सच्चियां मोहब्बतां ने भाके, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, अभी झूठी मोटी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां अख नाल अख नू मिला
मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां है तैनू लगा तो छुपा के रखा आँखा ते सजा के तू है मेरी वफा रकब ना बना के मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदी दूरियां मैं जीना हाँ खूबसूरत और बहुत एक्सप्रेसिव वॉइस है आपकी. मौका मिलेगा क्योंकि अब तो फिल्म्स भी बन रही हैं और अच्छी बात यह है कि न्यू टैलेंट को मौका भी मिले और वो आगे आ सके और बड़ी अच्छी खूबसूरत प्लेबैक वॉइस है. सो फहद जो है को टेंशन ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं है अपनी. अच्छा ऐसे भी बड़े कम लोग होते हैं और बड़े प्यारे लोग होते हैं जो टेंशन लेते हैं. सो कहते हैं मेरा काम परफेक्ट होना चाहिए. मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी आपकी इस चीज को कि आप अगला गीत क्योंकि उसकी तैयारी कर रहे थे आप. और सोचता हूँ खो जाता हूँ कि यार क्या होना चाहिए नहीं सोचो मैं अपने गाने में खो जाता हूँ. सो स्वीट अफ्री जी बात अफ्री अफ्री कैसे गीत है रात ओके जी सॉफ्ट से म्यूजिक में आपको सुनाएंगे खेल दीजिए ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई जिसमें जैसे अजंता की मूरत कोई जिसमें जैसे निगाहों पे जादू कोई जिसमें नगमा कोई जिसमें खुशबू कोई जिसमें जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिल कशों दिलशी संदली संदली मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं चेहरा एक फूल की तह शादाब है चेहरा उसका है या कोई महताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा कोई अल्फ लैल भी दास्तां चेहरा एक पल हसी चेहरा एक पल गुमा चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं मारू मारू मैं जब भी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी आफरी
तारीफ मुमकिन नहीं लेकिन तारीफ किया कीजिए, तारीफ जो है ना वो अच्छी ही तो लगती है लेकिन जो है ऑक्सीजन का काम करती है अक्सर जो है ये तारीफ जो है, इसलिए आपके जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं उनकी तारीफ किया कीजिए, और स्पेशली उनकी जो आपकी आंखों को भले लगते हैं, जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में रौनक है, और इंशाल्लाह कल इसी रौनक को जमाने एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे अनवर लास्ट सॉन्ग की फरमाइश होगी कि आखिरी गीत आप पेश कीजिए और उसी से हम अपने प्रोग्राम का एंड कर देंगे। हाँ जी, क्या सुना रहे हैं? चल दिल मेरे छोड़ फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे कितने फखर से चेहरे सजाए, झूठी अदाएं खोटी अनाएं, कितने फखर से चेहरे सजाए। चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी